हेलो क्लास सिक्स, मैं आपकी टीचर द्वेंद्र कौर। एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे इंट्रो के साथ। तो इंट्रो में आज है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में फर्स्ट टाइप जो है हमारा वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आप अपनी बुक में देखो तो आप इजीली देख सकते हो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तीन तरह के आपके फ्रैक्शन है यहाँ पर टाइप्स में, ठीक है। तो हम इन्हीं को डिस्कस करते हुए एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैंने आपको ये बोला था कि फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जहां पर न्यूमिरेटर स्मॉलर होगा और डिनोमिनेटर इससे बड़ा होगा, लार्जर, तो वो बनेगा प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 2/5 स्मॉल है और ये लार्ज नंबर है, ठीक है। 3/7 मतलब ऊपर न्यूमिरेटर वाला नंबर जो होगा वो छोटा होगा और 7 जो मतलब डिनोमिनेटर वाला नंबर यहाँ 7 है तो ये बड़ा हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड जो है आपका। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हमारा इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा इन द सेंस कि न्यूमिरेटर बड़ा हो जाएगा मतलब लार्जर और डिनोमिनेटर जो हो जाएगा स्मॉलर हो जाएगा। मतलब एग्जाम्पल अगर लिखें हम तो 4/2 9/2 कर लो, ठीक है, और 7/3 इसी का उल्टा कर दूंगी तो ये इम्प्रॉपर बन जाएगा। अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाला बड़ा नंबर है तो वो प्रॉपर है, अगर ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है नंबर तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन सिंपल 3/1/4 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स का मतलब नंबर मिक्स होकर आए, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है और इसको कैसे फाइंड करना है ये हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो है एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट होता है और फर्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन बनाना सीखेंगे और पेंसिल और स्केल शॉप कर लो, पेंसिल को स्केल रख लो, इरेजर रख लो, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे नंबर लाइन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। पहले अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप पेंसिल से ड्रॉ करना, मैं बार बार बोल रही हूं, आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, ठीक है। मैंने ये एक नंबर लाइंस ड्रॉ कर ली, ठीक है, और यहां पर मैंने पॉइंट्स को लोकेट कर दिया। कितना भी आप ले सकती हो, ठीक है, लेकिन इक्वल डिस्टेंस में लेना है, ठीक है। मैंने ये इक्वल डिस्टेंस में पॉइंट्स ले लिए। अब जो हमने, अगर आपको याद हो तो हमने जो है नंबर लाइन के चैप्टर में हमने नंबर्स को लोकेट करा था। कैसे करा था लोकेट? 3, 5 तो हमने लोकेट करा था ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और माइनस के नंबर थे तो इस साइड हमने माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 नंबर्स लोकेट करा, उनको प्लस करा और माइनस करा। पहले 0 से 3 में गए, अगर 3+5 करना था तो 0 में 3 में गए, फिर बढ़ना था तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो कुछ इस तरह से हमने जो है नंबर लाइन लोकेट करा था सिर्फ नंबर्स का, ठीक। अब हम फ्रैक्शंस का करेंगे। देखो अभी मेरे पास यहां पर क्या है, सबके नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो 4, 4, 4 और यहां पर 2 है, कोई बात नहीं, ज्यादा जो रेशियो है वो ज्यादा नंबर्स की 4 है नीचे डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे, जब हम नंबर्स लाइन को, नंबर्स को हम लाइन पर डोनेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। जैसे ये 0 है,
जीरो से वन तक एक पार्ट हुआ, ठीक है, ये एक पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ, ये तीसरा पार्ट हुआ, और यहां से यहां तक चार पार्ट हुए। पहले आप ये देखो कि जितना भी डिनोमिनेटर होगा उसको उतने पार्ट्स में बांटना है। ये मैंने इतना करा, अब नीचे देखो एट पार्ट्स दे रखे हैं सब में। तो मैं क्या करूंगी, पहले नंबर लाइन मैं एक ही चीज पहले तीनों पार्ट में आपको बताती हूँ ताकि आपको इजीली पता चल जाए, ठीक है। इसको मैं यहां पर डोनेट करती हूँ फटाफट से पॉइंट्स को, यहां मेरा जीरो है। मुझे कितने पार्ट्स चाहिए, एट पार्ट्स चाहिए। देखो यहां से यहां तक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, मतलब डिनोमिनेटर वाले जो पार्ट्स थे, डिनोमिनेटर यहां एट है तो एट पार्ट्स, ठीक है। यहां डिनोमिनेटर फोर है सब में तो फोर पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब यहां डिनोमिनेटर फाइव है तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे, बोलो फाइव पार्ट्स, ठीक है। तो अब मैं यहां पर भी फटाफट से लोकेट कर देती हूं, जीरो यहां से यहां तक वन टू थ्री फोर और फाइव, ठीक। इतना समझ आया कि डिनोमिनेटर जितना होगा उतने पार्ट्स हम लिख लेंगे पहले। अब क्या करना है, देखो जैसे ही फोर आ गया, फोर पार्ट यहां तक हो गया, यहां से यहां तक फोर पार्ट हो गया, तो ये बन जाएगा वन, ठीक है। अब अगेन फोर पार्ट गिनेंगे, वन टू थ्री फोर, जैसे ही फोर पार्ट खत्म हुआ तो ये बन जाएगा मेरा टू, क्लियर, समझ रहे हो सीक्वेंस बन रही है। अगेन फोर पार्ट, वन टू थ्री फोर, तो ये कितना बन जाएगा मेरा थ्री। इस तरह से कुछ नंबर लाइन आपके सामने आएगी बनकर। अब यहां पर एट था, जहां पर एट खत्म हुआ क्या हो गया वन, अब यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जब आ जाएगा तो आ जाएगा टू पार्ट, ठीक। यहां पर फाइव आया तो यहां पर फर्स्ट पार्ट आ गया, अगेन अब यहां पर वन टू थ्री फोर और फाइव, जैसे फिफ्थ पार्ट खत्म हो गया मेरा ये बन जाएगा सेकंड पॉइंट। इसी तरह से वन टू थ्री फिर फोर और फाइव, थर्ड पार्ट इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। जितने डिनोमिनेटर होंगे उतने पार्ट्स में बांटना है लाइन को, ठीक। अब ये हो गया, अब हमने क्या करना है, यहां पर सब जगह फोर है तो अब हमने इसको लिखना कैसे है, देखो ये हो गया वन अपॉन वन, ये हो गया वन अपॉन फोर क्योंकि डिनोमिनेटर में फोर है, ठीक है। ये हो जाएगा टू अपॉन फोर, ये हो जाएगा थ्री अपॉन फोर और ये हो जाएगा फोर अपॉन फोर, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। ये हो जाएगा फाइव अपॉन फोर, नीचे फोर ही रहेगा क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर फोर है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना, खेल ही सारा डिनोमिनेटर का है, ठीक। जैसे यहां पर एट है तो यहां पर आ जाएगा वन अपॉन एट, यहां पर आ जाएगा टू अपॉन एट, यहां पर आ जाएगा थ्री अपॉन एट, यहां पर आ जाएगा फोर अपॉन एट, यहां पर आ जाएगा फाइव अपॉन एट, यहां पर आ जाएगा सिक्स अपॉन एट, यहां पर आ जाएगा सेवन अपॉन एट, यहां पर आ जाएगा एट अपॉन एट, यहां पर आ जाएगा नाइन अपॉन एट, इसी तरह से टेन अपॉन एट, ठीक है। ये सिक्स अपॉन फोर हो जाएगा, सेवन अपॉन फोर हो जाएगा, एट अपॉन फोर हो जाएगा, हर पॉइंट का काउंटिंग लिखेंगे लेकिन डिनोमिनेटर हमारा वही रहेगा जो दे रखा है, ठीक। अब यहां पर थर्ड पार्ट में देख लो, नीचे डिनोमिनेटर में फाइव है तो ये हो जाएगा वन अपॉन फाइव, ये हो जाएगा टू अपॉन फाइव, ये हो जाएगा थ्री अपॉन फाइव, ये हो जाएगा फोर अपॉन फाइव, ये हो जाएगा फाइव अपॉन फाइव, हर किसी को हम नाम दे रहे हैं, सिक्स अपॉन फाइव, सेवन अपॉन फाइव, एट अपॉन फाइव, नाइन अपॉन फाइव,
10 अपॉन 5 कॉन्टिन्यू होता रहेगा। अब हमें लोकेट करना है पॉइंट्स का। देखो पहला नंबर कौन सा है, 1 अपॉन 2, इसको छोड़ दो अभी। 1 अपॉन 4, ये रहा मेरा 1 अपॉन 4, इसको ऐसे सर्कल करोगे। फिर कौन सा है, 3 अपॉन 4, फिर कौन सा है, 4 अपॉन 4। अब 1 अपॉन 2 कहां गया मेरा, तो जब मैं इसको काटूंगी, देखो 2 अपॉन 4 था, 2 वन द 2, 2 टू द 4, कितना आ गया 1 अपॉन 2। तो ये जो मेरा था, ये मेरा क्या है, 2 अपॉन 4, समझ गए। अब देखो यहां पर 1 अपॉन 8 मांग रहा है, 2 अपॉन 8 मांग रहा है, 3 अपॉन 8 मांग रहा है, 7 अपॉन 8, तो ये रहा 1 अपॉन 8, 2 अपॉन 8, 3 अपॉन 8 और 7 अपॉन 8, ठीक है। यहां पर देखो 2 अपॉन 5 मांग रहा है, 3 अपॉन 5, 8 अपॉन 5, देखो ये रहा 8 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉपर नंबर लाइन को लोकेट करोगे। आई होप मैंने कोई स्टेप मिस नहीं करा जिससे आपको कहीं डाउट रह जाए। स्टिल अगर फिर भी आपको डाउट रहेगा तो प्लीज आप मुझे मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट। क्लियर, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस्ड इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालो, ठीक है। कैसे निकालोगे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में, आपको एक ये नंबर दे रखा है 20 अपॉन 3, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना है, तो बताओ कैसे निकालोगे आप। देखो कुछ नहीं करना, इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं यहीं पर इसी के सामने ये सॉल्यूशन करोगे, आप रफ में नहीं करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 20 और 3, ठीक। अब क्या करना है आपको, इसको डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, 20 में से 18 गए, 2 बचा, ये मेरे पास नंबर आ गया कुछ ऐसा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए डिनोमिनेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर में ही रहेगा, ठीक है। 3 आ गया, 20 अपॉन 3 था, 3 आ गया। अब जो ये क्वेश्चन है आपका, वो आएगा आपका यहां पर, जो आपका रिमाइंडर था वो आ जाएगा आपका ऊपर, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 3 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें 2 प्लस कर दो, तो 6 3 18 प्लस 2 20, और ये बन गया 20, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर 3 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं, आई होप आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा अगर कहीं होगा। अगला पार्ट है 11 अपॉन 5, डिवाइड करते हैं 11 और 5, 5 टू द 10, 1। अब मैं इसको बना लेती हूँ बॉक्स और इसको कर लेती हूँ सर्कल, ताकि मुझे रहे ना कोई डाउट। 11 अपॉन 5 को मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो 6 था क्वेश्चन, ये नंबर मैंने कहाँ लिखा, ये नंबर मैंने लिखा यहाँ साइड में, तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ, और स्क्वायर वाला नंबर कहाँ गया, यहाँ ऊपर, रिमाइंडर मेरा ऊपर चला गया। 5 टू द 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा प्लस 1 कर दिया, तो 11 अपॉन 5। सी पार्ट करते हैं, 17 अपॉन 7, डिवाइड करो 17, 7, 7 टू द 14 और रिमाइंडर बचा 3, इसको अगेन बॉक्स बना देती हूँ और इस क्वेश्चन को सर्कल कर देती हूँ। लिखती हूँ 17 अपॉन 7 इज इक्वल टू मिक्स फ्रैक्शन, लिखो डिनोमिनेटर तो हमारा नीचे 7 ही रहेगा, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा मेरा 2 और यहां पर आ जाएगा मेरा 3। तो आई होप अब आपको पता चल गया मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालना है। डी पार्ट, 28 अपॉन 5,
डिवाइड करते हैं 28, 5, 5 द 25, 3 बचा, इसको कर दो सर्कल, इसको बना दो स्क्वायर 28 अपॉन 5, ठीक 5 आ जाएगा नीचे क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है हमारा, और यहां पर आएगा सर्कल वाला नंबर 5 और यहां पर आ जाएगा मेरा रिमाइंडर। तो यहां पर जो है डी पार्ट हमने पूरा कर लिया, ई पार्ट जो है वो है 19 अपॉन 6 और एफ पार्ट जो है मेरा 35 अपॉन 9। ये दोनों पार्ट आपके होमवर्क में है, ट्राई करो, सॉल्व करो, अगर ना सॉल्व हो तो मुझे मैसेज करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, अब इसका उल्टा करना है, ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, हम इम्प्रॉपर में निकालेंगे, जैसे 7 3 बाय 4, बी पार्ट है 5 6 बाय 7, सी पार्ट है 2 5 बाय 6, डी पार्ट है 10 3 बाय 5, ई पार्ट है 9 3 बाय 7 और एफ पार्ट है 8 4 बाय 9। ठीक है, क्वेश्चंस लिख लिए, अब हमें ये दे रखा है, अब हमें ये नंबर बनाना है, ठीक है, फ्रैक्शन बनाना है मतलब। तो हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको पहले बोला था ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो डिनोमिनेटर में तो सेम नंबर रहेंगे, डिनोमिनेटर में सेम ही नंबर रहेगा, डिनोमिनेटर नहीं चेंज होने वाला। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 इंटू 4, यहां पर कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे 5 इंटू 7, यहां पर कौन से नंबर दो मल्टीप्लाई होंगे 2 इंटू 6, यहां पर 10 इंटू 5, यहां पर 9 इंटू 7 और यहां पर 8 इंटू 9। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें प्लस करना है ऊपर वाला नंबर न्यूमिरेटर। ठीक है, तो प्लस करते हैं, प्लस क्या है यहां पर 3 प्लस 6, ये वाला नंबर प्लस होगा, ठीक, ये दोनों मल्टीप्लाई और ये वाला नंबर प्लस, यहां पर प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 और प्लस 4। क्लियर इतना, अब बस सॉल्व कर दो, 7 फोर द 28 29 30 31 अपॉन 4 आंसर आ गया, 7 5 द 35 36 37 38 39 40 41। डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा ना, उसको तो हमने छेड़ना ही नहीं, 6 टू द 12 13 14 15 16 17, 10 5 द 50 और 53। ये दोनों अब आप होमवर्क में करोगे, अगर कहीं डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज करना, हो सकता है मैंने कोई स्टेप छोड़ दिया हो जो आपको ना समझ आए, तो मुझे मैसेज करके जरूर पूछना। यहां पर आपकी एक्सरसाइज 7.2 डन फिनिश होती है बाय योर टीचर द्वेंदर कौर। कहीं कोई डाउट हो तो डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, टिल देन टेक केयर।